धनबाद के पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में 4 दिनों से इलाजरत धनबाद के पांडरपाला की रहने वाली तायरा खातून के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होने पर महिला को दुर्गापुर रेफर कर दिया गया। मरीज के परिजन मोहम्मद शहनवाज आलम का आरोप है कि अस्पताल जब मरीज के इलाज करने में असक्षम थी तो मरीज को और पहले ही रेफर कर देना चाहिए था। मरीज के इलाज के नाम पर केवल कई तरह के चेकअप के लिए दौड़ाया जा रहा था। मरीज को दूसरे अस्पताल रेफर कर देने की भी मांग रखी गई थी। बावजूद 4 दिनों तक मरीज को रखा गया और आज अचानक दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए बोल दिया गया। उन्होंने कहा कि मरीज की स्थिति गंभीर है, इलाज में सुधार नहीं होने की स्थिति में और पहले ही रेफर कर देना चाहिए था। अब परिजन इलाज के लिए अस्पताल को दिए खर्च वापस करने की मांग अस्पताल से कर रहे हैं। 4 दिन पहले यहाँ पर उनको ले गए, उनको शुगर पेशेंट थी, शुगर बोल के लेके आए तो यहाँ पर हाजिर साहब बोल के डॉक्टर हैं, वो अगर चेकअप वगैरह लिखे हैं कि आप ले जाइए इसको, ये चेक वगैरह कराइए, बाकी देखते हैं, नॉर्मल है, 24 घंटे के अंदर मतलब कि रिकवर हो जाएगा, बाकी एक दिन और लग सकता है, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग तो ये चेकअप वो चेकअप ये दवा 4 दिन से हम लोग परेशान हैं, 4 दिन से परेशान हैं। लास्ट में अभी सुबह में आके बोले कि सर आपसे, आप लोग से कुछ होता है तो बोलिए, क्लियर कीजिए, हम दूसरे जगह लेके जाएंगे। कल भी ये बात बोले और आज भी ये बात बोले और अपनी अम्मी को पूरा हिला के देख रहे हैं तो वो कुछ मूव नहीं कर पा रही है। लास्ट में बोल, अभी हम तो ड्यूटी चले गए, हम रिलेबल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो अभी आ रहे हैं तो अभी बोल रहे हैं कि यहाँ से आप हमसे नहीं होगा, आप इसको लेके जाओ दुर्गापुर और या क्या बोलते हैं एम्स रांची। तब इतना 4 दिन क्या कर रहे थे आप पहले से ना आपको बोलना चाहिए था, पहले कंफर्म करना चाहिए था ना। ये यहाँ पांडरपाड़ा न्यू इस्लामपुर पांडरपाड़ा में मेरा मकान है, वहीं से लेके आए थे, अभी सीरिया से अभी बोल रहे हैं एम्स लेके जाइए और क्या बोलते हैं या दुर्गापुर लेके जाइए। अभी तो हम बोले हैं कि उसका जो भी खर्च हुआ है, जो खर्च हुआ वो देने के लिए वापस करें। पेशेंट का नाम था तायरा खातून, मेरा नाम हुआ मोहम्मद शहनवाज आलम। बाबू से मिलिएगा, बाबू से हाँ, अम्मी से भी हाँ, हम मिला देंगे, अभी भेज दे रहे हैं ना, है ना, आप बोलिए कुछ, बोलिए बोलिए, हम बाबू लोग को बोल देंगे, बोलिए आप कुछ। हाँ बाबू भेज दें अम्मी को भी, और पानी पीजिएगा, नहीं कुछ खाए का मन कर रहा, भूख लगा आपको, ए पप्पू खाए का मन कर रहा कुछ, अरे देखा।